गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द गुड मॉर्निंग यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. और हमने इसमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में हमने डिफ्रेंशिएट किया था. हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और उससे पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसे हम फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है इसे फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन. सभी को एक ही स्केल पर या एक ही प्रोपोर्शन में चेंज किया जाता है. और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑल द फैक्टर्स आर नॉट वेरिएबल, सो अ प्रोड्यूसर यूज अ फिक्स फैक्टर विद अ वेरिएबल वन. और दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, इसलिए इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. एक और नाम से जाना जाता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को, हम एक और नाम से जान सकते हैं यहां पर, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल. ठीक है, रिटर्न टू स्केल यानी हाउ मच यू चेंज इन द इनपुट. क्योंकि आप एक स्केल मेजरमेंट से इनपुट में चेंज करते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उन सबको सेम प्रपोर्शन में एक स्केल पे मेजर करके चेंज करते हैं. और उसका इफेक्ट किसे देखा जाता है? रिटर्न्स आउटपुट पर देखा जाता है, इसलिए इसे रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं. एंड द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न्स टू अ फैक्टर. क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो कांस्टेंट रहता है, केवल एक ही वेरिएबल फैक्टर के रिटर्न्स हम यहां पर देखते हैं, तो इसे रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं और इसे रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया था आपको? ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो लॉ ऑफ वेरिएबल हो, चाहे वो हमने लॉन्ग टर्म का प्रोडक्शन फंक्शन देखा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. क्योंकि हमने पढ़ा कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरीके का है, समय के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. अब नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई वी स्टडी अबाउट दीज प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स. ऐसा क्यों होता है कि हम इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी आउट करते हैं? सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, इट इज इंप्लीमेंटेड इन एवरी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन. It is implemented in every field of production. ये production के किसी भी field में एक compulsory या fundamental law of production है, चाहे वो agriculture हो, चाहे वो manufacturing या industrial sector हो, ये law हर जगह implement, यानी production function अगर हम short term में करेंगे तो law of variable और long term में करेंगे तो returns to scale हर जगह implemented होगा. Second thing हमने जो देखी थी यहाँ पर, It is an engineering concept. इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कैसे? जैसे आप देखते हैं वहां पर कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, ठीक इसी तरह से भी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है. इतनी ये मटीरियल डाला गया तो ये आउटपुट हुआ, यानी इनपुट और आउटपुट में क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है
कि अब इसका रेशो ये रहेगा और इससे आउटपुट में ये चेंजेस आएंगे. सो इट इज एन इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट. जैसे इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कुछ भी मटेरियल आप यूज करते हैं उसका आउटपुट उसी क्वालिटी के हिसाब से आता है. ठीक इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन में भी क्या है, ये एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें टेक्निक के साथ साथ इनपुट और आउटपुट का नेचर वहां पर डिपेंड करता है. तो समझ में आ गया, ये एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है. थर्ड है, इट शोज द फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इसमें रिलेशनशिप बताई जाती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको फिजिकली पता चल जाता है कि इतने इनपुट दिए. जैसे लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं यू जस्ट इंक्रीज द 100% इन द आउटपुट एंड इंक्रीजिंग रिटर्न, देन द आउटपुट विल बी चेंज इन 150 और 200. सो यहां पर हमें फिजिकली काउंट कर सकते हैं कि इनपुट में कितना चेंजेस किए गए तो आउटपुट में कितने चेंजेस आए. सो इट इज अ कॉन्सेप्ट वेयर फिजिकल रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट्स, दोनों में एक फिजिकल यानी काउंटेबल रिलेशन होता है जिसको आप काउंट करके बता सकते हैं हाउ मच द इंटीग्रेट्स, यानी कितना इनपुट में चेंज हुआ है और कितना आउटपुट में वहां पर चेंज हुआ. द फोर्थ थिंग इज इंपॉर्टेंट, इट शोज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल में हम देखते हैं द सेकेंड स्टेज इज ऑप्टिमम फॉर द प्रोड्यूसर. पढ़ा है ना हमने कि सेकेंड स्टेज बेस्ट मानी जाती है, पढ़ा है? Yes, ma'am. है ना, तो yes, ये ma'am. जो एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल का या प्रोडक्शन फंक्शन का, वो ये बताता है कि प्रोड्यूसर को कहां प्रोडक्शन करना चाहिए. व्हाई डोंट ही स्टॉप इन द फर्स्ट स्टेज, उसे फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं रुक जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अभी उसको प्रोडक्शन के मैक्सिमम बेनिफिट्स वहां से लेने, अभी इसका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग है लेकिन हाईएस्ट नहीं है. सो इट इज द कॉन्सेप्ट विच शोज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. इससे आपको पता चलता है कि कितना इनपुट कितना आउटपुट और किस तरह से इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता चलता है कि कहां जाकर एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना बेनिफिशियल माना जाता है. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट थिंग इसमें ये है, जो हम नेगेटिव स्टेज की बात करते हैं, जो हम नेगेटिव स्टेज की बात करते हैं, एक ऐसी स्टेज होती है जहां वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, यानी यहां प्रोड्यूसर के सामने एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो तब तक वेरिएबल फैक्टर को चेंज करे जब तक वेरिएबल फैक्टर का आउटपुट उसकी कॉस्टिंग के बराबर हो. यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है आपकी, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, या जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए. यानी एक लेबर को आप जब लगाते, मान लीजिए उसकी वर्किंग के हिसाब से एक कंपनी 10,000 अगर अर्न कर रही है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उसे 10,000 से कम पे करे. लेकिन अगर थर्ड स्टेज है और नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे तो वहां तक वो उस लेबर को चेंज करे, सेकेंड स्टेज में वहां तक उस लेबर को चेंज करे जहां पर उसकी उसका से मिलने वाला रेवेन्यू कंपनी को उसकी कॉस्टिंग के बराबर होना चाहिए. यानी जितना आप लेबर को पेमेंट कर रहे हैं कम से कम उसका वर्कआउट उतने का होना चाहिए. तो ये एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है कि हाउ द प्रोड्यूसर मैनेज बिटवीन देयर रेवेन्यू एंड कॉस्ट पीरियड. ओके, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. So, these are the importance of production function. Ki why we study about the production function in economics? Ki hum economics mein production function ki study kyun karte hain? Isiliye karte hain kyunki isse hume pata chalta hai this is the basic and fundamental law of production. Ye production ka fundamental law hai. Second thing, ye ek engineering concept hai jinse hume pata chal jata hai ki kitna output to kitna input to kitna output. Yani hum कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस सबके बारे में जानते हैं. द थर्ड थिंग कि इसमें एक फिजिकल आपको पता चल जाता है क्वांटिटी कि हाउ मच इनपुट यू जस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हाउ मच आउटपुट यू हैव टू गेट, यानी कितना आप इनपुट लगाएंगे तो उससे कितना आउटपुट वहां पर आएगा. तो
तो ये सब जो हमने पढ़ा ये क्या है कि वाई वी स्टडी द प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स, कि हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में क्यों स्टडी आउट करते हैं. क्लियर हो गया ये इंपॉर्टेंस? यस यस मैम. यहां तक कोई दिक्कत? नो. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंस है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग नेशन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग नेशंस. ये कॉन्सेप्ट डेवलपिंग नेशंस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों करता है? बिकॉज डेवलपिंग नेशंस में रिसोर्सेस तो क्या होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके प्रोडक्शन एरिया बहुत सारे होते हैं, यानी उनकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है. तो उन्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अल्टरनेटिव यूजेस को ध्यान में रख के अनलिमिटेड जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना पड़ता है. तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपिंग नेशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जहां टेक्निकली भी वो इतने साउंड नहीं होते हैं तो इस तरह से वो इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन से अपने प्रोडक्शन को हाइएस्ट कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए. ले लिया? यस सर. ओके, अब हम बात कर रहे थे, हमने भी इंपॉर्टेंस पढ़ा, अब हम बात करते हैं कि जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन है क्या ये चीज, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, यानी अभी आपने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ये क्वांटिटी को बताता है कि कितने इनपुट और कितने आउटपुट. सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया? पी, यानी प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ जो भी आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है और एंटरप्रेन्योर या ओनरशिप है. इन सबको अगर हम इनपुट माने, ये सब क्या हो गए? आपके इनपुट है और ये आपका क्या हो गया? आउटपुट. ठीक है, तो एक प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? इनपुट और आउटपुट में फिजिकल रिलेशन को बताता है कि हाउ मच इनग्रीड्स और इनपुट्स यू जस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हाउ मच प्रोडक्शन यू हैव टू गेट. ये बात क्लियर हो गई? यस मैम. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर आता है जो हमने थ्री स्टेजेस पढ़ी. ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस थी शॉर्ट टर्म में, कौन कौन सी स्टेजेस थी? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव. नेगेटिव हमने पढ़ा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और थर्ड हमारी थी नेगेटिव रिटर्न्स. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाई दीज स्टेजेस इज जस्ट कमिंग इन प्रोडक्शन प्रोसेस. क्या कारण होते हैं कि ये स्टेजेस हर प्रोड्यूसर को झेलनी पड़ती है या हर प्रोडक्शन प्रोसेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है. ठीक है, तो यहां हम रीजंस देखेंगे कि व्हाई दीज स्टेजेस आर कम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ये स्टेजेस क्यों आती हैं. सबसे पहले जब हम स्टेजेस की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो हमने देखा सबसे पहले जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमने वहां देखा थ्री स्टेजेस है. सबसे पहले जो हम देखते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, पहला जो हमारा स्टेज है उसमें हमने देखा कि द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग, यहां पर टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सब क्या है? इंक्रीजिंग है. सो व्हाई दीज स्टेजेस कम, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की जो स्टेज है जहां टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज होता है. तो सबसे पहला अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो सबसे पहला जो इसका रीजन है कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर है
इज बिग इन साइज. सबसे पहली जो बात है कि इन स्टार्टिंग व्हेन वी यूज अ फिक्स फैक्टर विद अ वेरिएबल वन, इन स्टार्टिंग अवर फिक्स फैक्टर इज बिग इन साइज. मैंने आपको एग्जांपल भी किया था. फॉर एग्जांपल वी जस्ट टेक अ रूम, ठीक है, स्कूल का एक रूम ले लेते हैं. उसमें हम स्टूडेंट्स को जब हम वेरिएबल फैक्टर के रूप में एंट्री देते हैं, एडमिशन देते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड, उस समय रूम को हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में बड़ा या छोटा नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पर जो हमारी लैंड है या रूम है वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट फैक्टर हो गया, और स्टूडेंट क्या हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स हो गए. ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्हेन यू जस्ट स्टार्ट योर एडमिशंस, स्कूल तो पहले से ही है, रूम पहले से ही है, आपने एडमिशन स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है. साइज में बड़ा होने के कारण उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल वहां पर होता है. हर स्टूडेंट बड़ा खुला खुला बैठता है, टीचर आसानी से बच्चों को ट्रैकल कर पाती है, 10 की स्ट्रेंथ है, 20 की स्ट्रेंथ है, 25 की स्ट्रेंथ है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इन स्टार्टिंग जब आपका प्रोडक्शन का एरिया इतना लार्ज नहीं है लेकिन आपका फिक्स फैक्टर वहां पर बड़ा है, वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे आता है उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. ये समझ में आ गया फर्स्ट फैक्टर? दोबारा सुन लीजिए, हमने पढ़ा इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट टर्म से जुड़ा हुआ है, वेयर ऑल द फैक्टर्स आर नॉट वेरिएबल. हमने पढ़ा कि जो अल्पकाल होता है उसमें सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं है. सो अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टर्म पीरियड ही यूज अ फिक्स्ड फैक्टर विद अ वेरिएबल वन. इन स्टार्टिंग अवर टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. क्यों? बिकॉज इन स्टार्टिंग अवर फिक्स फैक्टर इज बिग इन साइज. जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो बहुत बड़ा साइज में है. धीरे धीरे हम वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. तो एवरी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर गिव द प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग. हर आने वाला फैक्टर प्रोडक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ठीक है, जैसे क्लासरूम का हमने एग्जाम्पल लिया कि क्लास तो हमारी कॉन्स्टेंट है, मान लो उसमें 40 बच्चे बैठ सकते हैं और हमने एडमिशन स्टार्ट किया तो एक साथ 40 बच्चों का एडमिशन तो हो नहीं सरा, एक बच्चे का हुआ, दो का हुआ, ऐसे 10, 15, 20, 25, तब तक उसका बेस्ट यूज हो रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फिक्स फैक्टर क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है. समझ गए? यस मैम. ओके, नाउ द हाँ खुश समझ में आ गया बेटा? यस. ओके, नाउ द सेकेंड फिक्स फैक्टर इज इनडिवाइजिबल. जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो कैसा है, इनडिवाइजिबल. हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. लॉन्ग टर्म में तो हम डिवाइड कर सकते हैं, मान लो हमारे इस साल एडमिशन 20 ही हुए और हमें लगता है इस रूम में 40 की स्ट्रेंथ है, तो लॉन्ग टर्म में तो मान लो हमने उसके दो एक पार्टीशन कर दिया, दो क्लास लगा ली. लेकिन शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइडेबल नहीं कर सकते. जो फिक्स फैक्टर उसको एज इट इज हमें यूज करना पड़ता है. इसलिए जब हम उसको एज इट इज यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बड़े साइज में रह जाता है. इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वेरिएबल फैक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग मानी इंक्रीजिंग होती है. समझ गए? ठीक है, ये दो रीजन है जो हमें बताते हैं कि जो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल की जो फर्स्ट स्टेज है वो क्यों आती है, वो केवल हमारे फिक्स फैक्टर के कारण आती है. एक तो वो साइज में बड़ा होता है और दूसरा वो इनडिवाइजिबल होता है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका बेस्ट यूज वहां पर हो जाता है. क्लियर? ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले रहे? यस. ओके, ले लो. यस यस. ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सेकेंड स्टेज है, जो हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जिसे हम कांस्टेंट रिटर्न, सॉरी, जिसे हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स returns to a factor
भी कहते हैं, यानी ये वो स्टेज है कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं उस समय फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और यही कारण है कि जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है, वो मैक्सिमम हो जाता है। एवरेज प्रोडक्शन और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग होते हैं, इसलिए से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं कि यहां पर जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, और जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। अब प्रश्न उठा कि वाई ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट स्टेज में तो हमने देख लिया इसलिए होता है, अब सेकेंड स्टेज में ऐसा क्या होता है कि हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलते हैं, तो इसके हम रीजंस देखेंगे। सबसे पहला जो रीजन है इसका, ठीक है, इस स्थिति का, कि वाई वी गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन सेकेंड स्टेज, कि हम सेकेंड स्टेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन क्यों गेट करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट या ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हमारा बेस्ट और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है किसमें हो जाता है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन यहां पर पाया जाता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल कहा था कि मान लीजिए एक क्लासरूम में हमें 40 की स्ट्रेंथ है तो एक साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारे पास 40 की स्ट्रेंथ आ जाती है तो दोनों के बीच में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी जितनी हमें फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की जरूरत थी उतने वेरिएबल फैक्टर वहां पर आ जाते हैं, तो उनके बीच में सबसे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। और दूसरी बात जो उसका दूसरा रीजन है, फुल यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अभी पहले तो फिक्स फैक्टर का पूरा यूज नहीं हो रहा था, वो बड़े साइज में था, लेकिन सेकंड स्टेज में इसमें क्या होता है, जो फिक्स फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है, जितना वो चाहिए उतना हो जाता है, इसलिए उसका फुल यूटिलाइजेशन इसमें हो पाता है। सो दीज आर द टू रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया जी मैम। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? Yes, yes. Okay. अब हमारी जो लास्ट स्टेज है जिसे हम नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या इसे थर्ड स्टेज, इसे थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों आती है, ये वो स्थिति होती है जब आपका टोटल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन दोनों डिक्रीजिंग होते हैं, कहां से, मैक्सिमम लेवल से टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग होने लगा, और जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है कि जहां टोटल प्रोडक्शन घट रहा है, एवरेज प्रोडक्शन घट रहा है, और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन तो नेगेटिव हो गया है। अब ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एक स्टेज के बाद हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन क्यों होने लग जाती है, तो इसके भी रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये रीजन है कि एक्सेस बर्डन ऑन फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा जो सेकंड स्टेज है उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज में आते आते अगर 40 की स्ट्रेंथ के बाद भी आपने एडमिशन बढ़ाते गए, 45 बैठा लिए, 50 बैठा लिए, तो साइज तो कमरे का क्या है,
कि आप 40 स्टूडेंट बैठा सकते हो, लेकिन अब बैठ कितने गए? 60। क्या होगा क्लासरूम में बताइए, है श्योर ना? ना तो टीचर एक एक मूव कर पाएगी, राउंड लेकर देख पाएगी। जो बच्चे नोटरियस हैं वो अपनी शैतानियां करेंगे। जो हमारा एम है कि हमारी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होनी चाहिए, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, वो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने एक्सेस बर्डन दे दिया उस रूम के ऊपर। 40 बैठने चाहिए थे, 60 रख लिए। बच्चों में लड़ाई होगी, इसने मेरी वो चीज कर ली, इस तरह से कर दी। यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने की जगह क्या हो गई है, घट गई है। तो इसका एक रीजन क्या है कि जो एक्सेस बर्डन है वो फिक्स फैक्टर पर आने लगता है। जैसे वर्कलोड भी, एक व्यक्ति को आप मान लीजिए काम करने की स्टेमिना है, जैसे आपकी मदर भी होती है। हम मानते हैं कि लेडीज में स्टेमिना ज्यादा होती है जेंट्स से, लेकिन अगर आप उस पर एक्सेस बर्डन, मम्मा ये भी करो ये भी करो, तो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो हर वर्क को उस एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो यही कारण यहाँ होता है कि फिक्स फैक्टर पे जब एक्सेस प्रेशर आ जाता है, तो उस प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो बढ़नी चाहिए वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। और सेकंड थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमने अभी बात की थी कि एम आर इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्टिंग के बराबर होना चाहिए। किसी भी फैक्टर से, एडिशनल फैक्टर से जितना आप ले रहे हैं आप उसे उतना ही दे। ये एक नियम होता है प्रोडक्शन का ऑप्टिमम, कि जितना आप प्रोड्यूसर एक फैक्टर से ऑन कर रहा है वो उसकी कॉस्टिंग उतनी ही रखे। लेकिन ये वो स्टेज होती है जहां ये कॉम्बिनेशन बिगड़ने लगता है। अब आने वाला हर फैक्टर की कॉस्टिंग तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्टिविटी घट रही है उसका रेवेन्यू उतना नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी मैम। ओके, यस ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके जी ओके, मैम। यहां तक कोई दिक्कत? चैप्टर में कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। ओ ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस। ओके, कल हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। नाइस नाइस डे मैम। थैंक यू।